एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए प्रधान नरेंद्र सिंह के गांव शेरपुर पट्टी पहुंची। यह गांव ब्लॉक ठाकुर द्वारा के न्याय पंचायत बहादुर नगर में स्थित है। इस ग्राम पंचायत की जिला मुख्यालय से दूरी 54 किलोमीटर है। 5000 की आबादी वाला यह गांव अपने आंचल में बहुत सी सुविधाएं समेटे हुए है। इस गांव में कुल वोटरों की संख्या 2200 है, जबकि जूनियर व प्राइमरी पाठशालाओं में 189 बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए। गांव में हैंडपंपों की स्थिति भी सही है, लेकिन अभी गांव वालों को 12 और हैंडपंपों की दरकार है। वहीं बिजली के पोल गांव में ना के बराबर दिखाई दिए। गांव वालों ने सरकार से बिजली के पोल व बिजली ट्रांसफार्मर की भी मांग की है। वर्तमान प्रधान ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि उन्होंने गांव में 75 शौचालय, 7 आवास व 500 मीटर सड़क का निर्माण कराया है, जिससे ग्रामवासियों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही केंद्र सरकार व राज्य सरकार से गांव में जल्द से जल्द पानी की टंकी, शमशान घाट व बारात घर बनवाने की भी मांग की है। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि सरकार गांव में अधिक से अधिक पैसा भेजे, जिससे वह गांव का विकास सही तरीके से करा सके। मैं ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत शेरपुर पट्टी। विकास कार्य में तो बिना भेदभाव के विकास कार्य कराया है और यहाँ शौचालय भी बनवाए हैं, काफ़ी शौचालय बनवा चुका हूँ, मकान भी। और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये अपील है कि अच्छा से अच्छा पैसा भेजें तो मैं आगे भी काम कराता रहूँ। इसमें ताला लगा रहता है, गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती, डॉक्टर नहीं बैठे तो इसकी सफाई भी होगा और किसी पब्लिक को फायदा भी होगा, दवाई मिले तो अच्छा है। ताला इसका हर टाइम बंद रहता है। मैं एक आम नागरिक हूँ यहाँ का, और हमारे जो यहाँ के वर्तमान प्रधान जी हैं नरेंद्र चौहान जी, उन्होंने काफ़ी विकास का कार्य किया है, काफ़ी रोड बनवाई हैं, इसकी मरम्मत चल रही, बहुत जर्जर स्थिति में था और इनका जो काम चल रहा है काफ़ी प्रशंसनीय है। और मैं आने वाले समय के लिए भी ये इनसे आशा रखता हूँ कि काफ़ी अच्छा काम करेंगे और हर तरफ इनका ध्यान है। नाले भी बनवाए, रोड भी बनवाई, और जहाँ टूट फूट थी वहाँ भी रिपेयर का काम चल रहा है। नाम नाजरीन है। ये मकान हमें प्रधान जी ने दिया है। वे किसी के साथ हम बहुत खुश हैं, वे किसी के साथ मतलब नहीं करते हैं और हम बहुत खुश हैं।